फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो। और आज मेरे सामने खड़ी है रॉयल एनफील्ड की एक अमेजिंग बाइक और लेटेस्ट लॉन्च बाइक हमारे सामने जो है खड़ी है, जिसका नाम है रॉयल एनफील्ड शॉटगन ट्विन 650। अब चीज़ें क्या क्या इसके अंदर देखने को मिलेगी, फीचर्स क्या क्या देखने को मिलेंगे, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। साथ ही साथ इसके पावर फिगर्स के बारे में बात करेंगे। ओवरऑल जो गाड़ी के अंदर फीचर्स मिलते हैं, जो कंफर्ट मिलते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। और साथ ही साथ अगर आप इसके लुक्स की भी बात करते हैं तो लुक्स भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में जो है आपको देखने को मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं फुल एक रिव्यू को, जानते हैं प्रोडक्ट के बारे में कि ऑफर क्या क्या कर देता है। की बात करते हैं, टिपिकल रॉयल एनफील्ड की मिल जाती है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है देखने में। वहीं अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट की तो कुछ इस तरीके का देखने में लगता है। और शॉर्ट गन की बात करते हैं तो जो ओवरऑल जो इसका डिज़ाइन लैंग्वेज है कुछ इसी तरीके का देखने को मिल जाता है, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। 650cc का एक इंजन मिल जाता है और डुअल टोन में जो है आपको पूरे ही ये कलर कॉम्बिनेशन के साथ देखने को मिल जाएगा। ट्विन 650 का आपको बैज भी उधर देखने को मिल जाता है। और जो ओवरऑल ग्लॉसी एलिमेंट इसके अंदर यूज़ किया गया है वो इसके इंजन के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगा। ट्विन सिलेंडर मिल जाता है, यानी कि दो इसके अंदर एग्जॉस्ट देखने को मिल जाएंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं फ्रंट व्हील की तो जो व्हील है विद डिस्क ब्रेक के साथ मिलता है और ABS के साथ देखने को मिलेगा। 190R 18 inches का सेक्शन देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं पीछे की व्हील्स की तो जो व्हील्स पीछे मिलते हैं 150/70R 17 inches के, पीछे भी डिस्क यहाँ देखने को आपको मिल जाता है विद ABS। जो पीछे का प्रोफाइल है दोनों ही एग्जॉस्ट साइड से निकले हुए मिलते हैं। इंडिकेटर जो हैलोजन बेस्ड मिल जाएंगे, ब्रेक लैंप LED बेस्ड मिल जाता है, नंबर प्लेट का सेटअप और रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा। पीछे की सीट इसके अंदर जो है आप हटवा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। फ्रंट प्रोफाइल की बात करते हैं तो जो हेडलाइट यूनिट है प्रॉपर LED बेस्ड में मिल जाती है, रॉयल एनफील्ड का लोगो मिल जाएगा। इंडिकेटर भी आपको जो है हैलोजन बेस्ड देखने को मिल जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं पूरे ही प्रोफाइल की तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। अंदर की साइड अगर आप देखते हैं तो यहाँ हॉर्न का सेटअप मिल जाएगा, रेडिएटर ग्रिल का सेटअप देखने को मिल जाता है। वेरिएंट्स की बात कर लेते हैं तो वेरिएंट्स इसके अंदर आपको तीन देखने को मिलेंगे, शॉटगन 650 कस्टम शेड और शॉटगन 650 कस्टम प्रो और शॉटगन 650 कस्टम स्पेशल। ये तीन वेरिएंट इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। 650cc का एक कमाल का इंजन मिल जाता है जो माइलेज के मामले में भी काफी अच्छा खासा है। इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं तो 650cc का एक अमेजिंग इंजन मिल जाता है। पावर की बात करते हैं 46.39 BHP निकाल के देगा और टॉर्क की बात करते हैं अराउंड 52.3 NM का टॉर्क आपको निकाल के देगा। माइलेज की बात करते हैं तो जो एवरेज माइलेज इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा हाईवेज पे 22 की माइलेज आराम से निकाल के देता है। बाकी अगर आप बात करते हैं सिटीज़ के अंदर तो आराम से जो है 16-17 तक की माइलेज आराम से निकाल के दे देता है। अगर हम गाड़ी के वेट की बात करते हैं तो जो कर्व वेट इसके अंदर आपको मिलेगा 240 kg की बाइक ये प्रॉपर मिलती है। अगर हम बात करते हैं क्लस्टर की तो कुछ इस तरीके का क्लस्टर देखने को मिल जाएगा। और चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो जो ओवरऑल क्लस्टर है आपको कॉम्बिनेशंस के साथ देखने को मिलेगा, एनालॉग भी देखने को मिलता है, डिजिटल भी देखने को मिल जाएगा। और कुछ इस तरीके का क्लस्टर मिल जाएगा जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें शो करता रहेगा, जैसे इको मोड पे है और गियर वगैरह शो करता रहेगा, ट्रिप ए ट्रिप बी ट्रिप एफ और ऑटो दिखाता रहेगा, बाकी टाइमिंग वगैरह फ्यूल वगैरह सारी चीज़ें दिखाता रहेगा, साइड में वार्निंग भी शो करता रहेगा। यहाँ गूगल असिस्टेंट भी लगा हुआ है इसके अंदर। और क्लस्टर की बात हैंडल बार की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके का हैंडल बार है, सारा ही पियानो ब्लैक फिनिश का टच इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। एडजस्टेबल क्लच और ब्रेक दोनों ही देखने को मिल जाएंगे, किल स्विच और ये हैजार्ड लाइट का बटन देखने को मिल जाएगा। एक्सेलेरेटर राउंडेड मिरर मिलते हैं और काफ़ी अच्छे खासे हैं। जो ओवरऑल रेडियस है मिरर का वो थोड़ा छोटा है, जिसकी वजह से हो सकता है आपको जो पीछे का व्यू है वो थोड़ा कम इसके अंदर देखने को मिले। वहीं अगर हम इसके एग्जॉस्ट नोट की बात करते हैं तो एक बार इसको मैं स्टार्ट ही कर लेता हूँ, फिर इसके एग्जॉस्ट नोट की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ से जो मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ तो कुछ इस तरह एग्जॉस्ट नोट देखने को मिलेगा। कुछ इस तरीके का एग्जॉस्ट नोट देखने को मिलता है जो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और काफ़ी ज़्यादा थम्पी है। और अगर आप प्लान कर रहे हो कोई ऐसी बाइक जो आपको ट्रैवलिंग के अकॉर्डिंग जो है चाहिए तो आप हो सकता है इस बाइक के लिए ज़रूर जा सकते हैं। और कंफर्ट के मामले में भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन ये बाइक रहने वाली है। प्राइसिंग की एक बार बात कर लेते हैं, क्या कुछ प्राइसिंग इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, जो प्राइसिंग इसकी रहने वाली है जो शॉटगन 650 शेड है वो रहने वाली है 359,430 रुपीज़ की,
और वहीं अगर हम बात करते हैं शॉटगन 650 कस्टम प्रो की, तो जो उसके अंदर आपको प्राइसिंग देखने को मिलेगी 370,138 रुपीज़ की। और वहीं अगर हम बात करते हैं शॉटगन 650 कस्टम स्पेशल की, तो उसकी जो प्राइसिंग रहने वाली है 373,000। मैंने आपको प्राइसिंग बताई है, ये जो है एक्स शोरूम प्राइसिंग इसके अंदर देखने को मिलेगी। गाड़ी कैसी लगी मेरे को कमेंट करके जो बताना। बाकी मिलते हैं एक नई अमेजिंग वीडियो के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को जो है आप लाइक भी जरूर कर सकते हैं, और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं एक नई अमेजिंग वीडियो के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।